आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान इतिहासकार और समाजशास्त्री दृष्टिकोण से चिंतक और दार्शनिक इतिहासकार जो दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण में इतिहास की व्याख्या करते हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम इब्न खालदून के इतिहास लेखन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इब्न खालदून का इतिहास लेखन इस्लामिक इतिहास लेखन परंपरा या इस्लामिक इतिहास लेखन के चिंतन में एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह नवीन दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण होता है जो कि वैज्ञानिक पद्धति में समाजशास्त्रीय और सांख्यिकी दृष्टिकोण में इतिहास लेखन की व्याख्या दिखाई देती है। तो हम आज इनके इतिहास लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बता दिया जाए, जैसा कि इब्न खालदून को जन्म 1332 ईस्वी में हुआ था ट्यूनीशिया में, ट्यूनिस नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक जीवन के दौर में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा एक सामान्य शिक्षा प्राप्त की और उसी के साथ साथ उन्होंने कुरान और हदीस का भी अध्ययन किया। कुरान की शिक्षा को उन्होंने एक शिक्षाप्रद इतिहास समाज और संस्कृति को समझने के लिए और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का इतिहास और शिक्षात्मक इतिहास को उन्होंने बताया है जो कि ईश्वर द्वारा एकेश्वरवादी दृष्टिकोण में लिखा गया इतिहास है। हदीस की व्याख्याओं को उन्होंने बताया कि एक प्रकार से ऐसी शिक्षाएं जो इस्लामिक शिक्षाएं हैं और शरीयत की शिक्षाएं हैं उनको मानने के लिए, उनके नियमों को अपनाने के लिए वह हदीस की व्याख्या करता है। इसके साथ ही प्रारंभिक जीवन में उन्होंने ग्रेनादा के शासक, स्पेन के शासक ग्रेनादा के यहां नौकरी की। इसके साथ साथ उन्होंने इसके पश्चात मिस्र की यात्रा किया, मिस्र के पश्चात अफ्रीका के शासक बुगे के यहां प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षक का भी कार्य किया। शिक्षक के साथ साथ उन्होंने न्यायाधीश का भी कार्य किया। इस प्रकार से अपने प्रारंभिक जीवन को वह व्यतीत किया और अंत में मिस्र में आकर उनकी मृत्यु हो जाती है। 1406 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है और मिस्र में ही अपना पूरा संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और मिस्र में आकर उन्होंने अपनी पुस्तकों का अध्ययन किया और पुस्तकों के बारे में लिखा। इसके साथ साथ हम अब वास्तविक रूप से उनके इतिहास लेखन की चर्चा करेंगे कि वास्तव में उनके इतिहास लेखन की पुस्तकों में क्या क्या व्याख्याएं मिलती हैं और उसके स्रोत व पद्धतियां क्या थी और उसके मूल्यांकन के दृष्टिकोण में कहां तक वो इतिहास के पद्धतियों का सही ढंग से प्रयोग करते हैं। उनकी पुस्तक करीब 3 पुस्तकों की चर्चा मिलती है, लेकिन समान रूप से एक ही पुस्तक उनकी प्रसिद्ध है जिसके अंतर्गत ही उन्होंने अन्य पुस्तकों की भी व्याख्या की है। पुस्तक है उनकी किताब अल इबर, इनकी एक पुस्तक है जिसे यूनिवर्सल हिस्ट्री भी कहा जाता है। संपूर्ण इतिहास किताबुल इबर के बारे में यह व्याख्या मिलती है कि यह पुस्तक उन्होंने 3 भागों में लिखी है। अलग अलग भागों में इसका प्रस्तुतिकरण उन्होंने दिया था। प्रथम भाग के बारे में कहा जाता है कि किताबुल इबर में जो मानवीय सभ्यता का इतिहास था, मानवीय सभ्यता का विकास किस प्रकार से होता है और उस सभ्यता में संस्कृति का प्रभाव और मानव के सामाजिक जीवन का और उनके संपूर्ण जीवन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने संपूर्ण व्याख्या की है किताब अल इबर में यह व्याख्या उनकी दिखाई देती है। दूसरे भाग में उन्होंने अरब का कथात्मक इतिहास लिखा है अरब के संबंध में और इस कथात्मक मतलब कहानियों, किंवदंतियों और कथाओं के माध्यम से इस इतिहास की व्याख्या मिलती है और इस इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में उन्होंने मध्य एशिया के उस जातीय समूह
और मध्य एशिया के जितने भी राजवंश हैं और इसके साथ साथ इटली के राजवंश की संपूर्ण व्याख्या उन्होंने की है उस कथात्मक इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में। तीसरे पुस्तक में उन्होंने विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के इतिहास लेखन का दृष्टिकोण, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के इतिहास लेखन का दृष्टिकोण दिखाई देता है और इसमें संपूर्ण राजवंश की व्याख्या उन्होंने की है। ये तो इतिहास लेखन की किताब अल इबर में उनकी व्याख्या थी और किताब अल इबर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में समाजशास्त्रीय दर्शन की व्याख्या और इसके साथ साथ राजवंशों की व्याख्या के बारे में संपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है इस पुस्तक के संबंध में। इसके पश्चात उन्होंने एक पुस्तक और लिखी है अल तारीफ, जो अल तारीफ इसी में जुड़ी ही पुस्तक है। कहा जाता है कि इसमें ही सम्मिलित कर दिया गया था। अंत में इनके पन्नों को जोड़ दिया है जो कि इसकी आत्मकथा है, इब्न खालदून की आत्मकथा के बारे में भी अल तारीफ में लिखा है। जैसे अल तारीफ आत्मकथा के बारे में अपनी संपूर्ण व्याख्या के बारे में लिखा है और इस अल तारीफ के जो प्रस्तावना एक प्रारंभिक वर्णन मिलता है उसे मुकदिमहा भी कहा जाता है। मुकदिमहा में यह व्याख्या मिलती है कि उन्होंने इतिहास लेखन और इतिहास का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और साथ साथ उसके वैज्ञानिक पद्धति की संपूर्ण व्याख्या उन्होंने की थी इस मुकदिमहा में। हम कह सकते हैं इसकी प्रस्तावना में या हम कह सकते हैं किताब अल इबर में मुकदिमहा नामक एक चैप्टर है और उस चैप्टर में उन्होंने अपने संपूर्ण व्याख्या की है कि किस प्रकार से इतिहास दर्शन और इतिहास की व्याख्या की जानी चाहिए। अब हम देखते हैं पुस्तक की व्याख्या में उन्होंने दृष्टिकोण क्या अपनाया था, उसके स्रोत पद्धतियों की व्याख्या किस प्रकार से मिलती है और इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में यह पुस्तक कहां तक सही रहती है, कहां तक उचित मानी जा सकती है। तो हम देखते हैं किताब लेबर में उन्होंने समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का उन्होंने इतिहास लिखा था और उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से और समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक जनसांख्यिक आंकड़ों का भी प्रस्तुतिकरण किया है। जैसा कि मुकदमा में या मुकदमा में उन्होंने अपने प्रस्तुतिकरण की व्याख्या की है। उन्होंने कहा है इतिहास लेखन या इतिहास किस प्रकार से होना चाहिए या एक प्रकार से संस्कृति और सभ्यताओं के समाज पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है इसका उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है कि किस प्रकार से संस्कृति होती है, फिर समाज होता है, फिर सभ्यता पर उसका विकास दिखाई देता है। तो हम इस दृष्टिकोण में अगर हम व्याख्या करते हैं इनके इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में तो हम देखते हैं कि एक समाज पूरे समूह से बना रहता है और वह एक संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है कि समाज में रहन सहन रीति रिवाज खान पान और बहुत सारे व्यवहार या एक प्रकार से बर्बर जाति का जो वर्णन मिलता है कबीलाई ग्रुप में वह अपने समाज को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण करता है। जब वह समाज संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव के दौर से गुजरता है तो वह सभ्यता के दौर में आ जाता है। सभ्यता में एक प्रकार से संगठन का स्वरूप दिखाई देता है, हर प्रकार से कार्यों में व्यवहारों में व्यक्तियों में समाज का संगठन दिखाई देता है। तो इस दृष्टिकोण उन्होंने संस्कृति और सभ्यता की व्याख्या की है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने इतिहास लेखन में जो स्रोत एवं पद्धतियों का प्रयोग किया है उसके बारे में इनकी व्याख्या क्या कहलाती है। पहले बात तो उन्होंने इतिहास लेखन के जो स्रोत और पद्धतियों का एक प्रकार से तुलनात्मक दृष्टिकोण में व्याख्या की है। तुलनात्मक के साथ साथ उन्होंने वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय और जनसांख्यिकी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया है और इसकी व्याख्या की है किस प्रकार से इतिहास लेखक को जनसांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए वैज्ञानिक पद्धति का। उन्होंने खुद कहा है कि एक इतिहासकार को इतिहास लेखन की उन पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए या व्याख्या करना चाहिए वो तथ्य के करीब जाने की कोशिश करना चाहिए और सत्यता के करीब जाने की कोशिश करना चाहिए और सत्यता के करीब जाने के लिए उसे निष्पक्ष इतिहास लेखन का दृष्टिकोण भी देखना पड़ेगा। और एक इतिहासकार की व्याख्या भी बताई है कि इतिहासकार वह इतिहासकार होना चाहिए जो निष्पक्ष इतिहास लेखन लिखे, उसके बारे में भी पता लगाना चाहिए क्या वह समाज में या राजा के अधीन इतिहास लिख रहा है या स्वयं की व्याख्या या पूर्वाग्रह से तो ग्रसित नहीं है। इसके लिए उन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रस्तुतिकरण बताया है।
समाजशास्त्री ढंग का प्रस्तुतिकरण और जनसांख्यिकीय आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के दृष्टिकोण में उन्होंने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने मसूदी के लेखों का वर्णन करते हुए यह बताया है कि मूसा के आगमन से जो समय काल मिलता है उससे 220 साल पहले के बारे में वो वर्णन की व्याख्या करता है कि जब मूसा मिस्र से वापस अपने फौजों को लेकर जाता है तो उसके पास करीब 6 लाख के आसपास योद्धा थे। और इस योद्धा के बारे में जब वह कहता है कि जब 220 साल पहले मूसा मिस्र में आया था तो मिस्र में उसके जो अनुयायी थे या उनके मानने वाले थे तो उसके बारे में कहा जाता है कि अनुयायी और मानने वाले सिर्फ 70 के आसपास थे। अब यहां पर एक व्याख्या मिलती है कि मसूदी ने जब कहा कि उनके 220 साल आने से पहले उनके 70 अनुयायी थे और 220 वर्ष पश्चात जब मूसा के समय में वो व्याख्या मिलती है कि उनके 6 लाख योद्धा थे, ये युद्ध में सम्मिलित हुए अनुयायी थे, तो वह व्याख्या कहां तक सफल रहती है। इसके लिए जनसांख्यिकी आंकड़ा और समाजशास्त्री दृष्टिकोण के पक्ष में उन्होंने व्याख्या कही है कि इसका आकलन करना चाहिए। और इसके आकलन का दृष्टिकोण उन्होंने इस प्रकार से बताया या व्याख्या इस प्रकार से बताई। उन्होंने कहा कि जैसा कि सुलेमान इजराइल का एक शासक था, सुलेमान शासक के अधीन करीब 12,000 सैनिक थे जो अपने आप में सुलेमान समर्थशाली भौतिकवादी और राजनैतिक और संगठन एक प्रकार से सभ्य समाज में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो उसके पास सुलभ थी। भोग विलास जैसी विलासता जैसे पूर्वक जीवन वह जी रहा था और उस जीवन में भी उसके पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे और 1400 घुड़सवार थे। तो ये एक दृष्टिकोण अपनाकर अगर देखा जाए कि एक समर्थशाली शासक के पास सिर्फ इतनी ही सेना है, उसका मूल्यांकन अगर किया जाए तो यह कैसे संभव हो सकता है कि मूसा के 220 वर्ष पहले सिर्फ 70 व्यक्ति थे मिस्र में और उस समय 220 वर्ष पश्चात जो वर्णन मिलता है मूसा के समय में 6 लाख उनके अनुयायी और सैनिक माने जा सकते हैं। तो इस व्याख्या के दृष्टिकोण में उन्होंने कहा है कि एक इतिहासकार को समाजशास्त्रीय जनसांख्यिकीय और सांख्यिकीय आंकड़ाओं के दृष्टिकोण में इतिहास लेखन का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए कि वास्तव में क्या सही है क्या उचित है, उसके लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। संस्कृतिकरण की व्याख्या उन्होंने की है कि एक संस्कृति का जब विकास होता है तो उसमें हर तरह का समाज फलता फूलता या बढ़ता है, कला संस्कृति साहित्य या हर दृष्टिकोण में उसका विकास होता है तो वह एक सभ्यता के दौर में चला जाता है। तो एक व्यवस्थित क्रम में इतिहास को देखना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने कहा है कि एक इतिहासकार को बायस्ड नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष इतिहास लेखन का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो एक निष्पक्ष इतिहास का जब दृष्टिकोण अपनाएगा तब इतिहास की सही व्याख्या आएगी। निष्पक्ष इतिहास लेखन के दृष्टिकोण उन्होंने कहा है कि अगर कोई राजा के अधीन इतिहास लिख रहा है तो वह निष्पक्ष इतिहास नहीं हो सकता, इसलिए हमें उसकी व्याख्या और उसके दस्तावेज और उनके कार्यों को मूल्यांकन करना चाहिए एक इतिहासकार को। और इतिहासकार जब इनका मूल्यांकन करता है तब भी वह सही दृष्टिकोण का इतिहास लिख सकता है। इसके साथ साथ हमने बताया था संस्कृति और सभ्यता और सभ्यता का संगठन का दृष्टिकोण कि जब सभ्य समाज होता है तो वह संगठन के रूप में दिखाई देता है और संगठन के पश्चात वह अपनी सभ्यता को प्रस्तुतिकरण करता है। और सभ्यता भी एक प्रकार से संस्कृति का जब विकास होता है सभ्यता के दौर में आते हैं तो वो एक प्रकार से सभ्य समाज एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने भोग विलास की और सुलभ वस्तुएं जो उसके लिए प्रयोग हो सकती हैं सिर्फ उन्हीं का विकास करता है। संस्कृतिकरण के दौर में वह हर प्रकार से विकास करता है, वह रहन सहन रीति रिवाज खान पान और जो जीवन की जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उसका वह विकास करता है संस्कृतिकरण के दौर में जब संस्कृति का विकास होता है। लेकिन सभ्यता के दौर में सिर्फ वह स्वयं के बारे में सोचता है और वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक विकास और खोजें इस तरह से वह उनका प्रयोग करता है। तो ये भी उन्होंने समझाने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने ये व्याख्या भी प्रस्तुत की। जैसा कि अरस्तु ने कहा है कि मानव जीव के समान है या जीव या प्राणी है, जीवित प्राणी है,
तो मानवीय जीव की जो व्याख्या उन्होंने अरस्तु ने की है, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी व्याख्या में बताया है कि अरस्तु के दृष्टिकोण में जब मानव जीव कहा है तो उन्होंने अपने दृष्टिकोण में बताया है कि एक मनुष्य सामाजिक जीव है। उन्होंने सामाजिक जीव की व्याख्या की है कि वह समाज के बंधनों में या समाज के द्वारा समाज के महत्वपूर्ण कार्यों में संलिप्त होते हुए अपने इतिहास या अपने इतिहास को वो आगे बढ़ाता है। अब इस इतिहास को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को उन्होंने कहा कि जब वो सामाजिक जीव है तो अपने कार्यों का रहन सहन रीति रिवाज बहुत सारे कार्यों उपलब्धियों जिसमें राज्य संगठन समूह और ओवरऑल हर एस्पेक्ट से वो अपने विकास को प्रस्तुतिकरण करता है तो वह एक विकसित समाज का विकास करता है और सभ्यता का विकास करता है। उसी के अनुसार हमें देखना चाहिए, जिसको उन्होंने राज्य सिद्धांत के रूप में भी प्रस्तुतिकरण बताया कि राज्य का सिद्धांत क्या होता है। राज्य जब केंद्रीकृत बन जाता है, जब संगठन के रूप में सभ्यता का विकास होता है तो उसका शासक होता है और राजाओं का शासक किसी वंश क्रम में चलता है। उसके वंशक्रम में एक वंश दो वंश से तीन वंश चार वंशों तक वो राजा शासन कर सकता है, लेकिन यहीं पर वह उतार चढ़ाव का भी दौर दिखाई देता है और इस राज्य में वह उपलब्धियों की भी चर्चा करता है। राज्य से राष्ट्र, राष्ट्र से राज्यों की उत्पत्ति होती है और राज्य और राष्ट्रों में जातीय संरचना के बारे में बताया है और एक जाति या समूह दूसरे जाति समूह से वह युद्ध करता है और युद्ध में जो मजबूत होता है वह शासक बनता है। तो उन्होंने उतार चढ़ाव की पद्धति के द्वारा राजाओं या राजा या शासन का संगठनिक ढांचे को उन्होंने प्रस्तुतिकरण बताया है कि वह एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति को भी प्राप्त करता है और कभी वह अंतिम दौर में अब अपनी शासन सत्ता को भी समाप्त कर लेता है या समाप्त हो जाती है। तो राज्य के सिद्धांत के रूप में बताया है कि उतार चढ़ाव उत्थान और पतन के दृष्टिकोण में, जो कि एक चक्रीय दृष्टिकोण में कह सकते हैं, इस दृष्टिकोण की भी व्याख्या उनकी दिखाई देती है। अब हम इनके इतिहास लेखन इब्न खालदून के इतिहास लेखन के नकारात्मक पक्ष की भी चर्चा करेंगे। क्या इन्होंने नकारात्मक दृष्टिकोण क्या अपनाया था? जैसे उन्होंने अपनी पुस्तक किताबुल इबर में जो व्याख्या की है यूनिवर्सल हिस्ट्री में और अल तारीफ के जो आत्मकथा है और उसमें मुकदमा जो प्रस्तावना के दृष्टिकोण में उन्होंने व्याख्या की थी एक इतिहासकार को इतिहास दार्शनिक विचारधारा में किस प्रकार से होना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि समाज शास्त्रीय और सांख्यिकीय दृष्टिकोण में उसकी व्याख्या वैज्ञानिक रूप से करनी चाहिए। समाजशास्त्र का प्रयोग करना चाहिए, सांख्यिकी दृष्टिकोण आंकड़ों का भी प्रयोग करना चाहिए और वैज्ञानिक ढंग से इतिहासकार को कार्य करना चाहिए। लेकिन किताब अल इबर में उन्होंने इस तरह के कोई सांख्यिकी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण नहीं किया है, तो एक प्रकार से ये इनका नकारात्मक पक्ष भी दिखाई देता है। उन्होंने संपूर्ण दृष्टिकोण में जो इतिहास लिखा है एक प्रकार से जो प्रथम भाग में मानवीय सभ्यता का इतिहास, द्वितीय भाग में अरब का इतिहास, तीसरे भाग में उन्होंने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का इतिहास का जो वर्णन किया है वो एक प्रकार से उन्होंने इतिहास दर्शन या इतिहास की दार्शनिक व्याख्या के दृष्टिकोण में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में किया है। उन्होंने सांख्यिकीय दृष्टिकोण या वैज्ञानिक ढंग का प्रस्तुतिकरण इसमें करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने प्रस्तावना में ये चीज बताने की कोशिश की है कि इतिहासकार को किस प्रकार से इतिहास लेखन लिखा जाना चाहिए, इतिहास चिंतन क्या होना चाहिए, इतिहासकार की व्याख्या क्या होनी चाहिए। तो ये एक इनका नकारात्मक पक्ष दिखाई देता है, निगेटिविटी दिखाई देती है। इसके साथ ही उन्होंने स्रोत पद्धतियों का प्रयोग तो बहुत ही अच्छे दृष्टिकोण से किया है और उसके साथ साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया है। किताब अल इबर में उन्होंने बहुत सारे मानवीय सभ्यता अरब और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के जो राजवंशों का इतिहास लिखा है उसके लिए उन्होंने शोध पद्धतियों का वास्तविक ढंग से प्रयोग किया है। अब बहुत सारे ऐसे दस्तावेजों को निकाल कर फेंक दिया है, जैसे कि मिथ का इतिहास किंवदंतियों के इतिहास के बारे में वर्णन करता है। अलिफ लैला जैसी कहानियों को उन्होंने स्वयं अपने शब्दों में बताया है कि वे ऐसी कहानियां हैं जिसका इतिहास के दृष्टिकोण में कोई महत्व नहीं है, वो सिर्फ कहानियों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है, उसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण में कोई व्याख्या नहीं मिलती है। और इसके साथ साथ उनके दृष्टिकोण में अगर हम उनके संपूर्ण मूल्यांकन करें या ओवरऑल हम उनके इतिहास लेखन को मूल्यांकन के दृष्टिकोण में अगर देखते हैं तो वह इतिहासकार एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इतिहासकार और चिंतन और इतिहास में ऐसे सिद्धांतों का प्रयोग किया था जो समाजशास्त्री वैज्ञानिक और सांख्यिकी दृष्टिकोण दिखाई देता है। इसके संबंध में बाई लॉकोस्ट जिसे एक इतिहासकार और दार्शनिक है महत्वपूर्ण विद्वान है बाई लॉकोस्ट ने यह कहा है कि थियोसोडाइडस ने इतिहास लेखन की वास्तविक परंपरा प्रारंभ की थी, लेकिन
इब्न खालदून ने इतिहास लेखन के वैज्ञानिक ढंग का और चिंतन का इतिहास लेखन प्रस्तुतिकरण किया था और उस प्रस्तुतिकरण की व्याख्या जो इस्लामिक इतिहास लेखन में एक मील का पत्थर साबित होती है, जो प्रारंभिक दौर में एक इतिहास चिंतन का दृष्टिकोण दिखाई देता है और इतिहास की व्याख्या दिखाई देती है, जो कि इन्हानी इतिहास लेखन से के दृष्टिकोण के जो प्रारंभ किया था उनसे भी एक विकसित दृष्टिकोण उन्होंने प्रारंभ किया था। इसके साथ ही अगर हम इनके इतिहास लेखन को देखते हैं तो नव विज्ञान का इतिहास लेखन या नए विज्ञान का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में इतिहास लेखन की व्याख्या देख सकते हैं। तो संपूर्ण दृष्टिकोण में कह सकते हैं कि इब्न खालदून का इतिहास लेखन इतिहास दृष्टिकोण में जो इस्लाम के इतिहास दृष्टिकोण में संपूर्ण व्याख्या को प्रस्तुत करता है और चिंतन को प्रस्तुत करता है और एक नवीन दृष्टिकोण वह प्रस्तुत करता है कि इतिहास लेखन की व्याख्या किस प्रकार से होनी चाहिए। इसके साथ ही ये बताना आवश्यक होगा कि इस्लामिक इतिहास लेखन की संपूर्ण व्याख्याएं किस प्रकार से होती हैं या इस्लामिक इतिहास लेखन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया था और उसका मूल्यांकन हम करके देख सकते हैं। जैसे कि इस्लामिक इतिहास लेखन के प्रारंभिक दौर की जो व्याख्या हम बता रहे थे तो उसपे शिक्षात्मक इतिहास और शिक्षाप्रद इतिहास के दृष्टिकोण में देखा जाता है, कालक्रम का उसका वर्णन मिलता है, चिंतनपरक इतिहास के दृष्टिकोण में उसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम चक्री सिद्धांत को भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल इतिहास लेखन के जो दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो इस्लामिक इतिहास लेखन की पद्धतियां जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक समाज के नए दृष्टिकोण में प्रस्तुतिकरण करने की जो व्याख्या दिखाई देती है, इतिहास लेखन की संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग करने की जो व्याख्या दिखाई देती है वहां पर बहुत सफल रहते हैं इस्लामिक इतिहास लेखन में। कुछ कमियों को अगर देखा जाए जिसमें हम समाज के ईश्वरीय सिद्धांत, एक स्वराजी सिद्धांत जिसमें हम इतिहास लेखन कुरान और हदीस का उल्लेख करते हैं और इसके साथ साथ कुछ उनके प्रारंभिक जीवन में कबीलाओं और किंवदंतियों का जिसे आंशिक इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में देखते हैं तो वो कुछ हद तक कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं जो दैवीय प्रभाव से या इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में दिखाई देती हैं। लेकिन इस्लाम के इतिहास लेखन में जो नवीन पद्धतियों का जिसमें हम कह सकते हैं अल-बिरूनी और इब्न खालदून ने प्रयोग किया था और तथ्यात्मक ढंग का प्रस्तुतिकरण किया था वो एक सर्वश्रेष्ठ या अच्छा इतिहास माना जा सकता है।